Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे द्वारा जो है जनपद ललितपुर के एसपी साहब, एडिशनल एसपी, यहाँ के सीओ साहबान, सभी थाना प्रभारी और जितनी भी शाखाओं के हमारे अधिकारी हैं उनकी गोष्ठी की गई आगामी समय में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार की कोई बदमाशी जो कोई भी अराजक तत्व न कर पाए तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वृहद स्तर पर हम लोग की तैयारी जो है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है और जहाँ पर हम जो है मानव संसाधन, हमारे जो उपकरण हैं, वाहन हैं, उन संसाधनों के अलावा हमारी जो पुलिसिंग की जो चीज़ रहती है जिसमें अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किए जाने की बात है, चाहे हमारे थाने पर हमें किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को रखना है, कहाँ पर हम अपना पुलिस का डिप्लॉयमेंट करेंगे और कैसे कैसे हमारा मूवमेंट रहेगा, एक एक चीज़ जो है आज सभी बिंदुओं पर हमारे सारे अधिकारियों से विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ललितपुर पुलिस ने हमेशा मेहनत से काम किया है और अच्छे परिणाम दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में और जो है यहाँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी अराजक तत्व हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज आएँ, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी गतिविधियों को नियंत्रण करें और ठीक तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है हम लोग के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी नज़र, हम जो है पूरी पब्लिक में और जनता जो ललितपुर की है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने कदम कदम पर सहयोग किया। इतनी जो है बेहतरीन किस्म की पब्लिक के यहाँ पे लोग हैं जो कि हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। तो मैं आपके माध्यम से उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोग बिल्कुल भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करें। सब पर हमारी निगाह है और हम बिल्कुल कठोर कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने में भी नहीं हिचकेंगे। सर, जैसा राम जन्म भूमि विवाद का निर्णय आने वाला है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या तैयारियां की है? नहीं, जो हमारी शांति व्यवस्था को मैंने बताया था, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपराध स्थिति हमारी नियंत्रित रहे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम सेक्टर जोनल वगैरह में जी वो सब पूरी तैयारी मैंने आपको बताया ना कि अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किए जाने में एक एक चीज़ हम बहुत विस्तार पूर्वक आपको बिंदुओं को नहीं बता सकते, बहुत सी गोपनीय बातें रहती हैं, लेकिन हमारी कार्ययोजना हमने रूपरेखा बहुत बृहद स्तर पर तैयार की। हमें जो शासन से और डीजीपी मुख्यालय पर निर्णय आने वाला है, उसमें जनपद में क्या तैयारियाँ चल रही हैं और किस ढंग से उसको दिखा जा रहा है? जी, जैसा आप सब अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय अपेक्षित है जो कभी भी आ सकता है और उस निर्णय को लेकर हम लोगों ने शांति व्यवस्था स्थापित रहे, सभी लोग सकुशलतापूर्वक रहें, विभिन्न तैयारियाँ हम लोग की चल रही हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जोन और सेक्टर्स बांटे हैं कि आवश्यकता अनुसार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यदि आवश्यकता होगी तो कहाँ पुलिस पार्टी होगी, कैसे मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉय होंगे। इसके अलावा शांति समिति की बहुत सारी बैठकें भी हम लोग कर रहे हैं, उन बैठकों में धार्मिक गुरु जो हैं उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है, सभी के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और साथ ही हमने पुलिस मित्र बनाए हैं जो हमारे जनता के व्यक्ति हैं जो पुलिस के साथ सहयोग करके पुलिस के पिकेट में, ड्यूटी में, गश्त में साथ देंगे, तो ऐसे पुलिस मित्र भी हमने बनाए हैं। ये सारी तैयारियाँ हमारी चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ललितपुर जैसा पहले से एक शांत शहर और डिस्ट्रिक्ट रहा है, इस बार भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और निर्णय जिसके पक्ष या विपक्ष में हो उसके मद्देनज़र किसी प्रकार की भी यहाँ पे अपनी घटना नहीं घटित होगी, ये मुझे विश्वास है, एक अच्छा सामंजस्य रहेगा। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल।